Hello everyone, in this video we will do label based indexing in pandas data frame. Data elements in data frame can be accessed using indexing. Aap data frame ke data elements ko access kar sakte ho kiski help se, indexing ki help se, right? There are two ways of indexing data frame. Aap data frame ki indexing kis tarike se karte ho? Label based indexing. Label based indexing mein kya hai, aap rows and columns ko labels dete ho, means names dete ho, right? And boolean indexing. Boolean indexing mein kya hai, aap rows and labels ko boolean values बुलियन वैल्यूज कौन सी होती है आपकी, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग. There are several methods in pandas to implement label based indexing. In pandas आपको बहुत सारे methods provide करता है जिसकी help से आप label based indexing कर सकते हो, right? और यहाँ पे हम कौन से method का use करेंगे, यहाँ पे हम log method का use करेंगे. Data frame dot log method is an important method that is used for label based indexing with data frame, right? जो आपका log method है वो क्या है, एक useful method है जिसकी help से आप label based indexing कर सकते हो, right? तो यहाँ पे data frame क्या है, data frame है data frame का name. ओके, df आपका हमने डेटा फ्रेम ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे df नेम से, जिसके अंदर देखो रोज एंड कॉलम्स हैं. ये रो लेबल्स हैं आपके मैथ साइंस हिंदी, और ये आपके कॉलम लेबल्स हैं अर्नव रमेश समृद्धि रिया मलिका, राइट? ये आपके कॉलम लेबल्स हैं. ओके, एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल अ सिंगल रो लेबल रिटर्न्स द रो एज अ सीरीज. ओके, जब आप एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस करते हो यूजिंग द लॉग फंक्शन, तो वो किस फॉर्म में रिटर्न होती है, किस फॉर्म में आप एक्सेस करते हो, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे होता है, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो हमने कमांड यूज किया df डॉट लॉग. df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम. ये हमारा df डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आपने पास किया है उस रो का लेबल जो आपको एक्सेस करनी है. तो हमने यहाँ पे साइंस रो का लेबल यहाँ पे पास किया है लॉग फंक्शन के अंदर, राइट? और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आप इसको विद इन कोट्स दोगे, राइट? विद इन कोट्स आपको इसको देना है. ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका रिजल्ट आ गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. ओके, ये आपकी सीरीज के फॉर्म में आ गई है, कंप्लीट रो. दिस इज योर रो विच हैज कम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. ओके, तो यहाँ पे अर्नव रमेश जो क्या है, कॉलम नेम्स है, वो क्या बन जाएंगे, इंडेक्स वैल्यूज बन जाएंगी. ओके, ये आपके डेटा एलिमेंट्स है, और उन डेटा एलिमेंट्स की ये इंडेक्स वैल्यू है, राइट? Also note that when the row label is passed as an integer value, जब आप log function के अंदर कोई integer value pass करते हो, it is interpreted as the label of the index and not as an integer position along the index. तो इसको simple term में समझो, जब आप log function के अंदर integer value pass करते हो, तो वो क्या होता है, as an index value वो उसको लेता है. आपको पता है index value 0 से start होते हैं, 0, 1, 2, 3, right? Okay? आपकी index value ऐसे start होती है. ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे लिया df, df आपका क्या है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉक, और आपने पास किया 2, तो ये कौन सी वैल्यू को एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा 30 को. तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो आपका क्या है, आपके जो आपने कमांड दी है उसका रिजल्ट आपके पास क्या है, 30, राइट? अंडरस्टूड? क्या ये कहना चाह रहा है, अगर आप लॉग फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू पास करते हो, ओके, तो वो क्या कंसीडर होगी, वो उसकी इंडेक्स वैल्यू कंसीडर होगी, राइट? ओके, जैसे यहाँ पे नेम्स भी होते, लेट अस सपोज यहाँ पे नेम्स होते ए बी सी, और आपने यहाँ पे मान लो यहाँ इसकी आपने लेबल्स दिए होते ए बी सी डी, आपने इनको लेबल्स भी दिया होता, राइट? E. और आपने यहाँ पे वैल्यू क्या पास किया, 2, तो ये किसको एक्सेस करता, ये इस 30 को ही एक्सेस करता. कैसे, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर स्टार्ट होती है, सो ऑन, ओके, टिल द लास्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे इसको क्या करता, 30 को एक्सेस करता. समझ आया? अगर इंडेक्स वैल्यू भी आपने डिफरेंट दे रखी होती, आपने डिफरेंट लेबल्स दे रखे होते, ओके. When a single column label is passed, it returns the column as a series. Okay? और आप जब कॉलम को पास करते हो तो वो भी किस फॉर्म में आता है, सीरीज की फॉर्म में एक्सेस होता है. फाइन, तो यहाँ पे आप देखो df डॉट लॉग, और यहाँ पे जो आपने कह दिया कॉलन, कॉलन का मतलब क्या है, ये है, ये ऑल, इट इज एक्सेसिंग ऑल द रोज, ये सारी रोज को एक्सेस कर रहा है फ्रॉम 0 to till द एंड. ठीक है, जब आप क्या करते हो, ओनली कॉलम दे देते हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट कवर्स ऑल द रोज और इट कवर्स ऑल द कॉलम्स, जिस भी पोजीशन पर दे रहे हो. आपने यहाँ पे रो वाली पोजीशन पे दिया है, तो ये अर्नव कॉलम की सारी रोज के डेटा को कवर करेगा. फाइन, ये मैथ से लेकर साइंस तक सारे रोज के डेटा को कवर करेगा.
समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको कौन सा कॉलम चाहिए? आपको अर्नव चाहिए। आपने अर्नव दिया है और आपने ये भी स्पेसिफाई किया है दैट इट विल कवर ऑल द रोज फ्रॉम जीरो इंडेक्स टिल द एंड, राइट। और आपका रिजल्ट देखो किस फॉर्म में आ गया, आपका रिजल्ट आ गया एज अ सीरीज, राइट। ओके, तो ये क्या है? सीरीज की इंडेक्स वैल्यू है और ये क्या है? डेटा एलिमेंट्स है, राइट। तो ये आपका एक्सेस होके आ गया अर्नव, फाइन। Also, we can obtain the same result that is the marks of Arnav in all the subject by using the command. और आप एक दूसरी कमांड को यूज करके भी क्या कर सकते हो? अर्नव जो आपका कॉलम है उसका कंप्लीट डेटा एक्सेस कर सकते हो, राइट। आपने क्या कमांड दिया? प्रिंट df, df क्या है? डेटा फ्रेम का नेम, ओके, एंड ब्रैकेट में आपने दे दिया अर्नव, ओके। दिस इज वेरी सिंपल। तो आपका क्या आ गया है? आपने कंप्लीट जो आपका कॉलम था उसको एक्सेस कर दिया, फाइन। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ओके। नाउ टू रीड मोर देन वन रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम, आपको डेटा फ्रेम की एक से ज्यादा रोज को रीड करना है, लिस्ट ऑफ रो लेबल्स इज यूज्ड एज शोन बिलो, राइट। तो आप क्या करोगे? जो जो आपको रोज चाहिए, जिस जिस रोज का आपको डेटा एक्सेस करना है, तो आप लॉग फंक्शन में एज अ लिस्ट, ओके, एज अ लिस्ट उनको पास कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या है, आपने लिस्ट की फॉर्म में जो भी रोज चाहिए थी उनको पास कर दिया, साइंस एंड देन हिंदी, आपने दो रोज के लेबल्स को पास किया है, राइट। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखो, आपके पास दोनों रोज का डेटा आ गया है, फाइन। तो ये क्या है? लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। यहाँ पे आप क्या पास करते हो? रो लेबल और यू पास द कॉलम लेबल। रो लेबल पास करोगे तो रो एक्सेस करेगी, कॉलम लेबल पास करोगे तो कॉलम को एक्सेस करेगा, ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।